जैसे मधुबन खीरा, जाति ओषा पाति ओषा, ओषा जन्म हमारा राजा राम की सेव ने की, कह रविदास हमारा। मदन लाल जी चेयरमैन साहब न्यू रसीदा नगर वेलफेयर सोसाइटी तो मदन लाल जी चेयरमैन साहब, लोरी राम जी वाइस चेयरमैन, प्रीतम जी सरदार साहब और लाल सिंह जी जो सर, मैं इन्होंने अगर भी बेनती करूँगा हजूर महाराज साहब जी के चरणों के आके अपने सब तो पहला तो दास जो इतों की कमेटी बनी हुई है जिदे प्रधान लोकल MLA सुशील कुमार जी और पूरी वो जी टीम है उन्होंने दिन रात मेहनत की क्योंकि 2006 तो ये जगह अलाटमेंट हुई सी लेकिन कई MLA कई मंत्री आए पर यह जिहड़ा काम है किसी ने नहीं कराया। ये टीम बनी जदों सुशील रिंकू की मेहनत के नाल ये जिहड़ा एजुकेशन सेंटर बन जा रहा है इहदी एक बहुत वड्डी कामयाबी है। श्री गुरु रविदास महाराज जी दे 644वें प्रकाश दिवस नूं और इहदे नाल नाल इत्थे एक होर बहुत खुशी की गल है कि केवल एक बिल्डिंग नहीं बन जा रही, एक एजुकेशन सेंटर बन जा रहा है जिथे बच्चों जो सतगुरु ने कहा कि माधु अविद्या हित कीन विवेक दी कमलीन कि विद्या तो बिना विवेक रूपी दीवा धुंधला रह जाता है, इत्थे विद्या दिती जाएगी। उन्हां बच्चों के ट्यूशन सेंटर खोले जाएंगे, कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। ये बहुत ही रविदास जी का जरा सोच से लैके एजुकेशन कमेटी जी संस्था चली हुई है। मैं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता टीम मैसेज। मेरा पूरी संगत को मैसेज ये है कि जो सतगुरु रविदास जी ने कहा कि जो ये टीम कर रही है असा सबना ने रल मिल के करना है। बेशक पूरे भारत चो गरीबी नू खत्म करना, अनपढ़ता नू खत्म करना तो बहुत मुश्किल की गल है क्योंकि बहुत उचाई तराई है, पर जे अं मेहनत करांगे तो थोड़ी जी ढलान बन जाएगी, उच्चा नीवा हो सकेगा, थले वाला उपर जा सकता है, उपर वाला नीचे आ सकता है, पर साड़ी मेहनत दे नाल होएगा फिर ही असी इन्हां लोकां नू जोड़ सकांगे। नहीं तो अनपढ़ जिहड़ा बेचारा अनपढ़ ही रहेगा वो गरीबी च थले जाता जाएगा, अमीर अमीर हुंदा जाएगा, फिर इन्हां दा मेल नहीं हो पाएगा। कि गुरु जी ने जो कहा सी ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को वन, सोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे परसन, उन्हां दा सपना साकार नहीं हो पाएगा। आओ असी सारे इस तरह की मेहनत करके गुरु जी के सपने स्वीकार करिए। धन्यवाद, जय गुरु। कैमरामैन दे नाल एसके सक्सेना दिलों धन्यवाद करता साडे रहबर अज साडे संत महाराज स्वामी गुरदीप गिरी जी उचेचे तौर दे उत्ते समा कढ के अज साडे इलाके दीआं संगतां नूं आशीर्वाद देण दे लई आए आ। उन्हां दा इत्थे पहुँचण दे बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जिहड़ा श्री रविदास महाराज जी कम्यूनिटी हाल की जी सारी हो रही है ये कमेटी के साडे चेयरमैन साडे बाबा जी साडे संत महाराज हैं और इन्हां दी दिशा निर्देश अनुसार बाबा जी की रहनुमाई के ये जिहड़ा सारा काम है ये निपरे चढ़ेगा और इन्हां दे दिशा निर्देश से ही ये सारा जिहड़ा काम चल रहा है। और बाबा जी जिहड़ा एजुकेशन के खेत्र में बहुत वड्डे वड्डे काम है जिहड़े इन्हां महाराज जी द्वारा किए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी की स्थापना स्कूल की स्थापना पठानकोट डेरे दे विच बाबा जी द्वारा की गई है और साडों भी जिहड़ा दिशा निर्देश है वह एजुकेशन लैके समाज भलाई में लैके हमेशा महाराज जी वालों जिहड़ियां वो इन्हां वालों सानू मोटीवेट किया जाता है और अज भी जिहड़ा दिशा निर्देश है बाबा जी सानू पढ़ाई के खेत्र के उत्ते आने वाली जनरेशन है जिहड़ी पढ़े और तरक्की करे और समाज का नाम रोशन करे इहदा ही संदेश अज महाराज जी दे रहे हैं। और मैं महाराज की हजूरी दे विच मैं ये सारी संगत को आश्वासन दवाना चाहना कि एजुकेशन के फील्ड के जो भी वध तो वध काम हो सके वो पंजाब सरकार द्वारा जिहड़े है उन्हां वल्लों करवाए जाणगे। अज भी जिहड़ा मेरे हल्के बुड्ढा मंडी दे विच जिहड़ा कॉलेज है को एजुकेशन कॉलेज उहदा निर्माण चल रहा उहदियां क्लासां शुरू हो चुकी हैं। थोड़े दिनों के ही असी बस्ती दानिशवंडा दे विच 6 acres के जे रकबे दे विच एक सीनियर सैकेंडरी स्कूल का जिहड़ा जिहदी लागत 4 crore रुपये है वह भी जिहड़ा काम है वो शुरू करन जा रहे हैं।
और इस तरह बाबा जी के दिशा निर्देश अनुसार आने वाले समय के बच्चों के पढ़न के लिए लाइब्रेरी ज होर जो फैसिलिटीज़ ये भी जोड़ा काम करांगे और वध तो वध जो सेवा जो इलाके के लोगों ने इलाके की संगत ने सानू दी है कोशिश करांगे कि उस सेवा निभा सकी और संतों का जोड़ा आशीर्वाद है वो सदा बनया रहे इस गल की मंगल कामना करता है। अज मैं सतगुरु रविदास महाराज का 644वां आगमन पर्व है आगमन पर्व में जोड़ा समर्पित एक कम्यूनिटी हॉल का जोड़ा नींह पत्थर है बाबा जी ने अपने घर कमलों के नाल रखा। मैं सारी संगत में बहुत बहुत बधाई देना कि आने वाले समय से यह जो फायदा इलाके दंत लैनगियाँ और एक बार फिर बाबा जी का और सारी संगत का मेरे वालों बहुत बहुत धन्यवाद।